Hello again, welcome back to my YouTube channel. This is Gayatri Vandre. So I am back with yet another SSS haul. I know you guys love my SSS haul and I'm really grateful for that. So if you are new here, don't forget to subscribe to my channel, and if you are an existing user, thank you so much for coming back and supporting my channel. So let's start the video. So here's the catch. So these clothes are not my clothes. मैंने ये अपने friend के लिए order किए थे because I don't know why Street Style Store is shipping her 99 rupees for the delivery, and मुझे ये shipping आज तक कभी नहीं लगी. So she said, why don't you order, and why don't you order on your address, and you can do whatever you want to do. You can do video, you can do haul, and she said you can show your clothes to my audience. And I was like, yeah, why not? That's a great idea. And बहुत months से मैंने Street Style Store के कोई भी कपड़े order नहीं किए थे, तो मैंने सोचा why not? This is a great opportunity to show you guys the clothes of Street Style Store haul which is trending. So उसने ये कपड़े पूरे अपने बर्थडे के लिए ऑर्डर किए, एंड ये पूरे उसके ही चॉइस के कपड़े हैं. सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस क्लोथ्स एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ दिस क्लोथ्स लुक्स ऑन मी, बिकॉज उसकी साइज और मेरी साइज ऑलमोस्ट सेम है. सो मुझे साइजेस का बिल्कुल इशू नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस हॉल. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई एम गोइंग टू शो यू ओनली 3 क्लोथ्स इन दिस हॉल बिकॉज शी ऑर्डर्ड ओनली अ 1 कॉम्बो बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट टाइम एंड शी वॉज स्केयर्ड दैट कपड़े कैसे आएंगे एंड कैसे नहीं. जैसे आप लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं वैसे सेम उसको भी क्वेश्चंस थे. सो आई सेड ऑर्डर ओनली 1 कॉम्बो फॉर नाउ. सो शी ऑर्डर्ड अ 1200 कॉम्बो जिसमें 3 वन पीसेस ऑर्डर किए उसने. सो द फर्स्ट क्लोथ इज दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाउन. लुक्स जस्ट लाइक द एग्जैक्ट पिक्चर शोन इन द वेबसाइट. बिल्कुल वैसा का वैसा ही आया है, बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है. बहुत ही ज्यादा प्यारा गाउन है. लुक एट द गाउन. आई कैन नॉट शो यू द फुल गाउन, बट आप जरूर ट्राई ऑन में देखिए कि कैसा लगता है. बहुत ही ज्यादा प्यारा गाउन है. लुक टू शो यू फ्रॉम द स्टार्ट. दिस इज द नेकलाइन. इसका गला उतना डीप नहीं है, इतना तो पहन ही सकते हैं. तो एग्जैक्ट सेम ऐसा ही नेकलाइन वहाँ पे पिक्चर में शो किया था, तो एग्जैक्ट वैसा ही है. एंड स्लीव्स बहुत ही ज्यादा पतले है, विच आई डू नॉट प्रेफर वियरिंग, बट इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर हर, सो इट्स ओके. सो ये था गले का पार्ट. फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी यहाँ पे थोड़ा क्रम्बल करके डिजाइन दी हुई है, और ये पूरा फुल लेंथ गाउन है एंड बॉडी हगिंग गाउन है. सो विच लुक्स मोर सेक्सी ऑन यू व्हाइल यू वियर. ये पार्टीज के लिए या फिर रिसेप्शन के लिए भी पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है. यू कैन स्टाइल इट इन विच एवर वे यू कैन. बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड पूरा ब्लैक गाउन है, एंड ब्लैक लुक्स सुपर अमेजिंग ऑन एवरी वन. सो आई बेट आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा. लुक एट द डिजाइन, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल डिजाइन दी है यहाँ पे. एंड उसके बाद द मेन इज हियर द स्लिट. इसका स्लिट बहुत ही ज्यादा प्यारा है, थोड़ा ऊपर है लेकिन बहुत ये इसका स्लिट पूरा थाइस तक आता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा है. मुझे इसका स्लिट बहुत ही ज्यादा पसंद आया. एंड इसमें दो आई थिंक दो कपड़ा है अंदर में, जो जो कि दो स्लिट दिए है. एक बहुत ज्यादा ऊपर से दिए है और एक थोड़ा नीचे से स्लिट दिया है, विच लुक्स सुपर अमेजिंग. एंड ये पूरा फिर नीचे का पूरा घेरा है इसका, पूरा बॉडी हगिंग है. एंड वी ऑर्डर दिस गाउन इन द साइज M, एज यू कैन सी हियर द लेबल, विच फिट्स परफेक्टली टू मी एंड टू हर टू. सो साइज का कोई इशू नहीं था, साइज ट्रू टू साइज है, परफेक्ट है. ओनली कैच इज आफ्टर लुकिंग ऑन द वेबसाइट आई थॉट द फैब्रिक शुड बी डिफरेंट, द फैब्रिक शुड बी मोर लाइक अ कॉटन और समथिंग, बट इट इज फुल्ली अ पॉलिस्टर. आई थिंक गाउन्स में ऐसे ही कपड़ा आता है, बिकॉज आई डोंट ओन अ गाउन और एनीथिंग, बट आई थिंक गाउन में ऐसे ही कपड़े आते हैं. तो पूरा ही पॉलिस्टर टाइप है, जो पूरे बॉडी को चिपकता है ये कपड़ा. सो इफ यू आर ओके विद द फैब्रिक, गो फॉर इट. यू आर अ गाउन लवर, देन यू शुड रियली गो फॉर इट. एंड मैं फिर से बता रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सो ओके, सो द सेकेंड आउटफिट इज फॉर श्योर आप लोग बोलेंगे कि हमने ये देखा हुआ है पहले भी वीडियो में, बट नो, बिकॉज दिस आउटफिट टोटली रिजेंबल्स माई बर्थडे आउटफिट. पूरी सेम है, फैब्रिक पूरा सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज द पैटर्न. बट आई लाइक माई बर्थडे ड्रेस मोर देन दिस, बिकॉज ये पूरा नॉर्मल समर ड्रेस टाइप है. सी ये पूरा नॉर्मल समर ड्रेस टाइप है, एंड मेरा जो वन पीस था वो पूरा बॉडी हगिंग एंड फ्रिल टाइप का था, जिससे मैं पूरी कंफर्टेबल थी. बट दिस ड्रेस आई कैन नॉट बी मोर कंफर्टेबल इन दिस, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा पतला कपड़ा है इसका, बहुत ही ज्यादा पतला कपड़ा है. बट समर्स के लिए दिस आर द बेस्ट, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां पहनती भी है, एंड इवन आई लाइक वियरिंग दिस, बट होता है ना बॉडी कॉन्शियस वाला थिंग, सो ये आ जाता है बीच में और मैं नहीं पहन पाती. बट आई रियली लव दिस. जैसे ही ऑर्डर में आया
मैंने उसको यही बोला कि ये सेम मेरे बर्थडे आउटफिट जैसा है, बट द पिक्चर इज शोन हियर इज सो डिफरेंट फ्रॉम दिस, बिकॉज उसमें बहुत ही ज्यादा डार्क ब्लू कलर दिख रहा था एंड ये तो थोड़ा लाइटिश, थोड़ा लाइट है, उससे बहुत ही ज्यादा हल्का है। इसकी लेंथ नी तक आती है एंड द मेन इज यहाँ पे उन्होंने चैन भी दी हुई है, लेट मी शो यू, सी यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बड़ी लंबी, यहाँ तक है वो चैन, यहाँ तक चैन दी हुई है, बहुत ही लंबी चैन है। सो अगर आपको फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो चैन है यहाँ पे तो आप फिट कर सकते हो कैसे भी करके, बट इसको आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये मुझे उतना परफेक्टली फिट नहीं आया, चेस्ट के एरिया से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया, बट उसको परफेक्टली फिट आया। इफ़ यू आर अ बिगर चेस्ट पर्सन यू शुड डेफिनेटली डू नॉट गो फॉर दिस, बिकॉज ये चेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा एंड देन अगर आप पीछे से लगा भी दो तो सामने से वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा। आप ट्राई ऑन हॉल में देख सकते हो कि कैसे दिख रहा था वो मुझ पर, बाकी तो ऑलमोस्ट द वन पीस इज सुपर अमेजिंग, आई लाइक इट। समर के हिसाब से ये परफेक्ट वन पीस है, सो आई विल गिव 10/8 ऑन दिस बिकॉज ये पूरा मेरे बर्थडे की कॉपी है। ओके सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पीस ऑफ दिस हॉल इज माई मोस्ट अमेजिंग फेवरेट गाउन, या फिर मैक्सी बोल सकते हैं आप उसको, बट दिस वन पीस इज माई मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल दिस वन पीसेस। मैंने उसको भी आते बराबर बोला कि सबसे ज्यादा मुझे यही वन पीस बहुत ज्यादा पसंद आया, सो हियर इट इज, दिस इज द मैक्सी और वन पीस आप बोल सकते हैं इसको। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, बहुत ही लंबा है एंड ये आपके घुटने के नीचे तक भी आता है, सो परफेक्टली लेंथ इसकी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है एंड फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ही पतला है एंड पूरा समर ड्रेस के हिसाब से भी है ये एंड इसकी स्लीव्स एडजस्टेबल है, आप इसको ढीला या फिर टाइट भी कर सकते हो, पूरी एडजस्टेबल स्लीव्स है एंड द मेन थिंग इज यहाँ पे उन्होंने कप्स का ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा कप्स का दिया हुआ है क्योंकि फिट ना हो किसी किसी को, बिकॉज किसी किसी के ब्रेस्ट बड़े होते हैं तो, बट ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी बिकॉज इन्होंने यहाँ पे इलास्टिक दिया है, एज यू कैन सी हियर इन्होंने यहाँ पे इलास्टिक दी है तो एकदम परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि ये कप्स वाला मुझे भी फिट नहीं हुआ बट ये इलास्टिक के कारण इट कैन नॉट सी, पता ही नहीं है कि आपको फिट हुआ नहीं हुआ। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल मैक्सी है ये, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल वन पीस है ये एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड ऊपर से ब्लैक में है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है बॉडी पे। एंड इसका सबसे मेन पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो है बैक में, ये पूरा फ्रिल है, इसमें कोई चैन वाली झंझट नहीं है या फिर कोई हुक वाली झंझट नहीं है, इसमें पूरा फ्रिल है, स्ट्रेचेबल है जो कि आपको परफेक्टली फिट हो। इफ आपको कोई भी वन पीस थोड़ा सा भी टाइट होती है तो ये फ्रिल के वजह से आपको बिल्कुल भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है एंड आई एम अ फ्रिल पर्सन, हर चीज मुझे अगर ऐसी फ्रिल पैटर्न की मिल रही हो तो मैं ले लेती हूँ, आई एम अ फ्रिल पर्सन, सो मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ऐसे वाले इसमें, इसलिए मुझे ये वन पीस बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड इसके नीचे पूरा ऐसा घेर है, पूरा फ्लेयर टाइप उसका पैटर्न है एंड ऑल्सो इट हैज अ स्लिट, इसका स्लिट थोड़ा नीचे से है, ज्यादा ऊपर से नहीं है तो इट लुक्स परफेक्ट ऑन योर लेग्स एंड इट लुक्स सो सेक्सी, यू कैन ऑल्सो वियर स्निकर्स और हील्स ओवर दिस, यू कैन ऑल्सो डिजाइन दिस विद अ डेनिम जैकेट, बट समर चल रहा है तो कोई डेनिम जैकेट से स्टाइल नहीं करेगा, बट विंटर्स के लिए डेनिम जैकेट से स्टाइल करना इज द बेस्ट एंड समर्स के लिए तो ये है ही स्लीवलेस, सो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी मैक्सी, मुझे इसका पोलका डॉट वाला पैटर्न भी बहुत अच्छा लगा एंड फैब्रिक 10/10 है, बहुत ही प्यारा है, कहीं से भी स्टिचिंग का प्रॉब्लम नहीं है, स्टिचिंग एकदम बेस्ट है। इफ यू आर अ फ्रिल पर्सन एंड इफ यू आर दिस मैक्सी पर्सन देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, समर्स आर ऑलरेडी हियर एंड आई शुड डेफिनेटली रिकमेंडिंग दिस वन पीस टू यू, सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दीज आर द 3 कॉम्बोज शी ऑर्डर्ड एंड दैट्स इट फॉर द हॉल, आई होप यू गाइज लव दिस हॉल एंड ऑल्सो द मेन पॉइंट इज फॉर द डिलीवरी, क्योंकि SSS का डिलीवरी कब आएगा, सबके मन में यही क्वेश्चन होता है। सो हमने किया था ये ऑर्डर 22 February को एंड ठीक एक महीने बाद इसे हमारे हाथ में आता है, सो शिपिंग टाइम प्रोसेसिंग ट्रांजिशंस उनके कब होते हैं कब नहीं ये सारा कुछ उन्होंने एक महीने में कर लिया, मुझे एक दो बार क्वेरी भी डालनी पड़ी कि मेरा शिप कब होगा करके, क्योंकि 15-20 डेज हो गए थे शिप बिल्कुल नहीं हुए थे मेरे प्रोडक्ट्स, बट उन्होंने 4-5 बिजनेस डेज में शिप करा दिए एंड दूसरे दिन मुझे पैकेज डिलीवर होता है SSS का। एक बार शिप होने के बाद बहुत ज्यादा फास्ट सर्विस है उनकी, आपको मिल जाता है पैकेज, बट शिप होने को ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सो डोंट वरी आपके पास आ जाता है पैकेज। एडवाइस इज कि आप हमेशा COD करें बिकॉज
ऑनलाइन पेमेंट का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा टाइम लगाते हैं. आप सीओडी ही करें ज्यादातर एंड मैं बहुत ही ज्यादा एसएसएस के हॉल्स करती हूँ, बट दैट डजंट मीन इट इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. दिस इज टोटली अनस्पॉन्सर्ड वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन इफ यू लव दिस वीडियो. यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.